देख रघुनाथ, ये होची शंकर प्रतिमूर्ति। मो तंत्र बल प्रयोग करी ए प्रतिमूर्ति देहरे जीवन न्यास दे। मोर तंत्र शक्ति प्रयोग करी शंकर प्रतिमूर्ति देहरे देइथिबा जीवन को पुणी आउ थरे काढ़ी आणी। किंतु ता पूर्वर मते तोर गोटे छोटो साहाज्य दरकार होला। कह कड़ी, तोर मो पाखु की साहाज्य दरकार मन खुले कह। मु तते सबु प्रकार साहाज्य जोगी देवा पे राजी अछि, किंतु जे कोनसी उपाय हो हम शत्रु हम रास्ता रूप दिबा दरकार। बेसी किछि मागुनी तते रघुना, शंकर व्यवहार करूथबा कोनसी कपड़ा नचे ता मुंडर केश हेले भी चलिबो। जा रघुनाथ, शीघ्र जाई से जिनिष आ। से जिनिष मो हाथ को आसीगला परे शंकर मृत्यु सुनिश्चित। जेमिति हेले भी घंटाए भितरे से जिनिष मो पाखे पहुंचा दरकार। जा रघुनाथ। काम हो गला आज्ञा पंडित एई नियंत हो तबे जा। शंकर बाबू, तमे बहुत बड़ ज्ञानी आ बहुत बड़ तपस्वी ना। महादेवी और मंदिर बाबद रे तमे मते बहुत कथा सुनाउथला। एबे तमरो सबु खेल शेष, आउ अल्प समय परे तुम अवस्था कौन हम तुम निजे जान। श्रीचक्र हासिल करिबारे आमको केही भी अटकई पारे केही भी नुह। गुरुदेव, मो मनरे गोटे संदेह आसुची। गुरुदेव, संदेह कौन? संदेह मणिका, आपण रघुनाथ पंडित को जो काम दे से काम कौन पंडित करें ना? माने से दिन पंडित कार्तिक घर को आम शत्रु चिन्हट करने जाते हेले सेठू से केमी हट हटा कि फेरिले से कथा आपड़ निज आखिरे देखिं। गुरुदेव, आज जे पंडित शंकर पिंधुवा कौन पोशाक शंकर व्यवहार करुवा कौन जिनस नहीं कि आसीपारे मोर कहीं जमा विश्वास हो। गुरुदेव, से मो मनरे कहीं संदेह आसुची।
मणिका बेले बेले मनीष ऊपर समय खराब प्रभाव एमती पड़े जे से मनीष पाखे सबकि असहाय पड़े वर्तमान आम अवस्था मध्य ठीक से कितु मणिका मन भितर बारंबार सफलता को नहीं सन्देह आसिले मनीष जीवन के सफलता हासिल करे तेणु मन भितर सब बड़े सकारात्मक चिंताधारा रहा आवश्यक गुरुदेव मु आपण कथा कहूनी आपण कार्यकलाप मोर तीले हेले भी सन्देह ना कि रघुनाथ पंडित कौन है कौन है मणिकांत रहीगल कहीं नहीं माने पंडित याडे आसुचंती गुरुदेव एटा होची शंकर निज देह पकोथवा चदर र किछ अंश बा बा रघुनाथ बा तू आज बहुत बड़ काम करके देखे देलु मु तो मो कम कर दे एबे तू तो कम कर कर देखिलो मणिका तू एई टिकिए समय पर परु रघुनाथ रो परिवार पनिया ऊपर संदेह करथिलु ना देख देख मणिका रघुनाथ से शंकर रो पिंधिथिबा चादर रो किछि अंश नै कि आसेछि देख एबे एबे सबु किछे आमो हाथो पांतारे तू देखिबु रघुना से शंकर अवस्था मु कोन करूछे तो महादेवी सबु देखे आश्चर्य चकित होई रही जीवो से ए काली चरण सहित जो बाची खेली तार परिणाम भोगवा को पड़ा माधव तू कदा कण माधव से दिन तो मत बहुत कथा शुणी दे गल हविषा दल आज ये कहीं अजथारे आम काम बाधा सृष्टि कर ना माधव जल्दी कह एठ की तू कहीं आसीचु एठ तोर कौन काम मुझे तमें तुम से दिन भूल मत क्षमा मागे आपन को क्षमा मागिबा को आसीनी कि आपन को पापरे भागीदार हवा को भी आसीनी ताले तू एठ की कहीं आसीचु मु जो पाप करछि तारो प्रायश्चित करबा पाई मु तम मानकु एठी शांति रे रखै देबिनी कि आउ थरे पाप करिवार सुजोग भी देबिनी देख माधव आजि पर्यंत मुते त सम्मान दे कथावार्ता करि आस्थिलि किने बे त कहि रखुछि जेते शीघ्र पारुछु चली जाय ठो
मैं तु भल भाव जानु आम काम जे बाधा सृष्टि करे ताई के भयंकर आम ठीक अच्छे पंडित मुझे जावा आगु गोटे कथा कहीकि टीका टीए फोपाड़ी पथर गोटे थुआ आपण माने मिलीमिशी जो पाप ता परिणाम निश्चय भोगिबे माधव साधारण मनुष्य मात्र है तू कालीचरण सामने रे एमिती कथा वार्ता करुचु एते गर्व कौन पाई तांत्रिक कालीचरण गोटे साधारण मनुष्यर शक्ति को तुम्हें चिन्हिन माधव गर्जन कौन कालीचरण तुम सब पाप मत जना आबू जाई जदि मु गाँ लोक आगे कहीदेवि ना तापर तुम अवस्था कौन हम तुम्हें बुझी पार तो मो देखु तू धीरे धीरे सीमा पार कर जाऊ नाई पंडित मु तुम मानू सावधान करदे को अरे कथार अच्छी ना ये हाथ पाप से हाथ को जाए एबे भी समय अच्छी तुम्हें माने सुधरी जाओ नहले माँ श्री चक्रेश्वरी तुम मानू के क्षमा कर मो सामनारू चली जा माधव नहले मुहूर्त में मु तते शेष करदेवी तुम्हें माने मते कौन शेष करिब तांत्रिक कालीचरण तुम मानू शेष करदेपी सी आसीगला जन जनक पाखरु सी ता प्रतिशोध नब तुम मानू ठीक शास्ति देव से ठीक बुद्धि शिखेब से तुम मान अंत आसीगला तांत्रिक तुम ये तंत्र मंत्र गुणी गारणी आ कि कम देवनी तुम मान मृत्यु सुनिश्चित कहा बाबद तू एने बड़ बड़ कथा कहु माधव किए से गोटे पगल प्रलाप को तू के विश्वास करनी कड़ी ता परिवार तक छाड़ी चलीगला परे से पूरा पूरी पगल हो पगल ना रघुनाथ मत आग ए माधव कथा शुणा को दे माधव तू का विषय कहु मत कौन मूर्ख भाविचु रे पाखंडी जे ता ना तू आगे कहीदेवी नाई कालीचरण नाई मु केबे हेले भी ता ना तुम आगे कहबिनी हेले एतिकी कहिकी जाउची सीए तुमर काल सीए तुमर मृत्यु आओ जो पाप तुम्हें माने करिछो ता शास्ति देवा पाई से जियो पुनर्जन्म नाई सल्लरे मंदिर को जाउछु कि हां मंदिर रे बहुत काम अछि सेति पे जाउछु दिन सारा केते काम करूछु किलो इत्ते काम करी करी तू जमा थक्की पडुनु ना ना काम कले म थक्की पडिबे काहे कि मते त काम करबा को बहुत भल लागे
ଯାହା କରାନି, ତୋ ଏ ହାତ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଠି। ତୋ କଣ ହାତଟାକୁ ଦେଖିଲୁ, ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଇଏ ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲି। ଏଠି ସିନା ମତେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲି। ଏତେ କମ ବୟସରୁ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, ତଥାପି ତୋ ହାତ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ହାତ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେ ମୁଦିଟା, ନେ ତୁ ମୁଦିଟାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ତୋ ନରମ ନରମ ହାତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ମଣିଷ କଣ ତା ଜୀବନର ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲେ ହୁଏ ନା। ଶୁଣ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଏ ମୁଦି ଫୁନ୍ଦି ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ କାମ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତିଆ ମୁଦି ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦେଖରାନି, କେତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏ ମୁଦିଟା ତୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଛି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହବନି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ମୁଦିଟା ବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଇକି ଆଇଛି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦି ପୂଜା ହେଇଛି? ହଁ, ଏବେ ତୁ ହାତ ଦେଖା, ମୁଦିଟା ତତେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ଦେଖେ ରାନୀ, ଏ ମୁଦିଟା ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିବୁନୁ। ଯଦି ତୁ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ବାହାର କରିବୁ ନା, ତାହେଲେ ମା ତୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଏ ମୁଦିଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି ଲୋ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ, ଘରକୁ ଯାଇକି କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇନା, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଅପା ଆଉ ତୋ ଜେଜେମାକୁ ଏ ମୁଦିଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଏ ମୁଦିଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇଛି ବୋଲି, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତୁ ମନ୍ଦିର ଯା, ତୁ ତ କାମ କରିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯା। ରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ପୁଣି ତୋର କି ନୂଆ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା? ତୁ ସେ ଝିଅ ହାତରେ କାହିଁକି ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଲୁ? ମୁଁ ସେ ଝିଅ ହାତରେ କାହିଁକି ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇଲି, ତମେ କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବା ହେବି। କ'ଣ ହେଲା, ତୁ ପୁଣି ତାକୁ ବା ହବୁ ଏ ବୟସରେ, ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ? ଆରେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବା ହବାର ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦାମିକିଆ ସୁନା ମୁଦିଟା ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଲା ପରେ ସେ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ କେମିତି ଚାଲିଗଲା, ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲୁନୁ? ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେମିତି ମଣିଷ ନୁହଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ଲୋକେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଖି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏକାଥରକେ ଦିଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖି ଚଳିବୁ ବୋଲି ମନେ ବୋଲେଇଛୁ? ଲାଗୁଛି ତୋ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ଆସୁଛି ନାଇଁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଯାଉଛି, ଏଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ପାଲ ମାରିଦେଇକି ଆସିବି। ସଖୀ କି ରଙ୍ଗେ ଆଖି ଠାର ମାଇଲାରେ। କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ, ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଜି କ'ଣ ମାଗିଲୁ? ଯାହା ସବୁଦିନ ମାଗେ ଆଜି ବି ସେୟା ମାଗିଲି, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି, ଖାଲି ତୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି, ଲାଗୁଛି ତୋ ଖୁସିର ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି। କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଏମିତି କହିବିନି ତ କେମିତି କହିବି କାର୍ତ୍ତିକ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି କଥାଟା ସତ କି ମିଛ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲେ ଟିକେ। କ'ଣ ଶୁଣିଲ? ମାନେ ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ନା ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ? ଦେଖ ପଜାନନ ଭାଇନା,
जहाँ कहार अच्छे सीधा सीधा कह ना मोर अनेक काम अच्छे मुझे। हाँ भाई आगको बाहापुआणी कम बहुत चलो मो पाखे ठिया कथा कह तो समय मिल ठीक अच्छे जदि तोर किसी साहय दरकार पड़े मुझे प्रस्तुत तो साय कर दरकार मत कह बुझल सका सका बोध टी फी दे आस भाईना का बागर कथा कौ तुम्हें मत किसी बुले बाके कही आसेनि कार्तिक जहाँ कहे मुह सीधा सीधा कहे मुझे शुणी तो घर जो झील अच्छी रानी तू कुड़ता बाहर गजेन्द्र सागे ठीक कर एक तो वीरमित्रपुर गाँव घरे घरे समस्ते जा सारे कौन है शुणी तोर हो सुला पिले आखि बुझी बुझी क्षीर पिए से निजे क्या देखिपारे भावनी दुनिया सारा तक देखी पार ना मत लगुच ठीक तो अवस्था बोधे से कथार अच्छे मौन्य सम्मति लक्षण तू चुप रहुचु मैंने कथाटा एकदम सत मो मन को दीटा कथ आसू कार्तिक प्रथम कथा तू गोटे झीर बाप गोटे झीर बाप हिसाब से तो झीर बाहाघर ता बाप बयस गोटे लोक माने गजेन्द्र सांगे केमी ठीक कलु ना रानी कड़ू शरण पशि तो घरे रही बोली तू तक जो मैं सीट बाहर कर दे तू भाव मैं तो बापर कर्तव्य सारी बोली झील तोर तो घरे रोचे तू तक कौटी बाहर दबु न दबु से तोर व्यक्तिगत कथा मोर से किसी कहार ना आ मन रख से गरीब झील बोली जीवन टाक बर्बाद कर देना ना आखि लुहरे तू धोस धोस बास पंचान भाईना बास रानी बाबद गोटे भी पदे शब्द मुँह तुम मोर शुणा चाहूनी रानी पर झील नुह कि गरीब झील नुहे से मो झी से तेणु ता बाबद कौन सी कथा मुँह तुम मोर शुणा चाहूनी